ऐ सुरमेदानी की सुरमई परी, हाजिर हो, जाहिर हो, हाजिर हो, जाहिर हो। फरमाया, ऐसुर नहीं परी, ये मेरा भाई बिलाल है। इसका आधा जिस्म पत्थर का है। तू अपना कोई करिश्मा दिखा और इसे शिफा दे, इसे अच्छा कर दे। सुरमई परी, आका, इंसानों और दूसरे जानदारों को पत्थर में बदलने की ताकत तो सिर्फ जिन्हें गुलफाम के पास है। मेरे पास इस तिलिस्म ताकत का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। गिरे दौलत, कालीन बिछाओ, हम सब कोई काफ़ी है। जो हुक्मा का नहीं, मेरे इस पोंछ को आप कहां कहां तक धोते फिरेंगे भाईजान? मैं नहीं चलूंगा आपके साथ। अब तो तुम्हारा कोहे काफ जाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हम वहां जाकर जिन्हें गुलफाम को मजबूर करेंगे, वो तुम्हें ठीक कर दे। और तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो? अरे कभी भाई भाई पर भी बोझ होता है, हा? ठहरो जी ने हवाबाज, ठहरो। आका, वो देखिए, काफ का इलाका आ गया। हम बहुत दिनों के बाद काफ पहुंचे हैं। जब हम तिलिस्मी कुवत के मालिक थे, जब चाहते थे काफ पहुंच जाते थे। काफ तो तसव्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत है। क्यों न हो, आखिर परियों और जिनों का वतन है। देखो बिलाल, तुम भी देखो, देखो इसकी खूबसूरती को। क्या फायदा, मैं तो कोहे काफ की सैर करने के लिए दो कदम तक नहीं चल सकता भाईजान। तुम भी हमारे साथ कोहे काफ की सैर करोगे और इंशाअल्लाह अपने कदमों पर। मगर होशियार रहिएगा आपा, कोहे काफ जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। अल्लाह के करम से अब हमारे पास एक नहीं, तीन तीन तिलिस्मी ताकते हैं। हम इनके जरिए हर खतरे, हर बला का मुकाबला कर सकते हैं। तो आइए, जिनों की नगरी कोहे काफ में आपका इस्तकबाल है, चलो। सुभान अल्लाह, क्या जगह है भाईजान। आका, कोहे काफ में आप मेरे और भाई रियासत के महल में चलकर रहिए। मेजबानी की पेशकश का शुक्रिया, पर हम तुम्हारे मेहमान नहीं बन सकते। आका, हम तिलिस्मी कुवतों के छिन जाने के सबब आपकी कोई खास खिदमत अंजाम नहीं दे सकते। कम से कम मेहमान नवाजी का हक तो मत छीनिए। आका, ऐ जिन्हें रियासत और ऐ प्यारे जिन्हें दौलत, हमारी मजबूरियों को समझो। अगर हम तुम्हारे महल में ठहरे तो दो आदम जातों पर कोहे काफ में कोई तवज्जो नहीं देगा। और हम चाहते हैं कि कोहे काफ के सारे जिनों को भी ये खबर हो जाए कि यहाँ पर दो आतंकवाद आए हैं जो तिलिस्मी कुवतों से मालोमाल है। तो फिर आप
चाहते क्या है आका? हम चाहते हैं कि कोहे काफ में हमारी आमद की इत्तला हमारे दुश्मन जिले गुलफाम को भी हो जाए और वो ये जान ले कि हम उसके लिए तरने वाला नहीं है बल्कि उसके लिए लोहे के चने साबित होंगे। मगर भाईजान, आप ये पैगाम जिन्हें गुलफाम तक पहुंचाएंगे कैसे? अगर गुलफाम का पता मुझे मालूम होता तो इस सारे तमाशे की नौबत ही नहीं आती। अब देखो कि मैं अपना पैगाम उस तक कैसे पहुंचाता। जिने जारिब हाजिर हो, जाहिर हो जिने जारिब, तुझे तेरा आका जलाल अपनी खिदमत में तलब करता है। हाजिर हो जिने जारिब, जाहिर हो। जल्दी हुक्म दे मेरे आका, वरना सोना मार मार कर भाग डालूंगा। कोहताब की सरजमीन पर हमारे लिए एक ऐसा आलिशान महल तामीर कर जिसे देखकर कोहताब के जिन्नात और परियां तक शर्मिंदा हो जाएं और सारे कोहताब में हमारे नाम का डंका बजने लगे। तो मेरे आका, एक बात और सुन, महल सिर्फ आलिशान ही न हो बल्कि किसी किले की तरह मजबूत भी हो जिसमें किसी जिन का तेज, किसी साहिर का शहर और किसी जादूगर का जादू असर न कर सके। समझा? मुख की अभी तामील होगी, महल अभी तामील करता हूँ। ऐसा क्यों किया भाईजान? सारे जिन हमारे दुश्मन हो जाएंगे। हम आदमजाद हैं। कोहकाफ में वो हमारी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं आका, जिन किसी से खामखा दुश्मनी मोल नहीं लेते। सिर्फ शैतान जिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और उसे आपका यहाँ आना नागवार गुजरेगा। यही तो मैं चाहता हूं कि उसे हमारा यहाँ आना बुरा लगे और वो खुद हमारे सामने आए, वरना कोहे काफ में हम उसे ढूंढते हुए कहां फिरेंगे। अरे मेरे पुलिस, मेरे आका के लिए एक तिलस्मी महल तामीर कर जिसमें मेरे आका और महल के सभी वकील महफूज और सलामत रहे और महल में उनके आराम और आसाइश के लिए हर शय मुहैया हो। बहुत मेरे आका के लिए इतना शानदार महल। आइए आका, आइए। वाह, क्या महल है! वाह जिने जारिब, वाह। चलो चलो चलो। इतना शानदार महल, देखा? सुभान अल्लाह, क्या महल बनाया है भाईजान। वाह जिने जारिब, शाबाश। कोई गांव का बाजार है ना? हाँ मेरे परिंदे, हाँ मेरे बंदे। तब तो यहाँ अनोखी और नायाब चीजें मिलती होंगी। यकीनन, तुम्हें कोई नायाब चीज चाहिए तो कहो, अभी खरीद देता हूँ। मुझे नहीं, आपको इसकी जरूरत है, आप अपने लिए खरीद लीजिए। भला मुझे किस चीज की जरूरत है? अक्ल की। फिर चिमटी लेनी ना मर्दूद।
मैं तेरा आका हूँ और तू मेरा मजाक उड़ाता है।